प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महुआ स्थित नवीन कृषि मंडी का निरीक्षण किया तथा किसानों और व्यापारियों से बात करते हुए मंडी समिति द्वारा उपलब्ध सुविधाओं व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारी और किसानियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए तथा इनकी समस्याओं का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के तहत ग्राम चढ़रहा जनपद महाराजगंज के राजा राम को ₹2,00,000 तथा मुख्यमंत्री खलिहन अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत महाराजगंज जनपद के ग्राम पकड़ी यार विष्णुपुर निवासी सावित्री देवी को 25,600 का चेक प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 10 किसानों को 4-4 प्लास्टिक कैरेट तथा 10 किसानों को प्लास्टिक शीट का वितरण किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि किसान अन्नदाता है और व्यापारियों का देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए व्यापारियों और किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 251 मंडियों में किसान व्यापारियों की सुविधा का प्राविधान किया गया है। मंडियों में अच्छी सड़कें, बैंक, शौचालय, पेयजल, सुरक्षा, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो, इसके निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि व्यापारी और किसानियों को किसी तरह की परेशानी मंडी में ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत सभी सामानों की रेट सूची स्क्रीन पर दर्शाए जाते हैं, जिसे देखकर सामानों के क्रय विक्रय में किसी तरह की अनियमितता की आशंका नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के छोटे छोटे बाजार में खाद सामग्री बेचने वाले किसानों को प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक कैरेट भी मिलेंगे, जिससे वे अपने उत्पादन को आसानी से बाजार तक ला सके। उन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडी आदर्श मंडी के रूप में स्थापित होगी। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, व्यापारी नेता जवाहरलाल कसौधन, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे सहित गल्ला मंडी के व्यापारी मौजूद रहे। के लिए एक बार लाइसेंस लेने वृद्धि पर अंकुश लगाने में सहयोग मिलेगा। पहले तो जांच करना और फिर उसके आधार पर मेरी घर के खरीदार तो मुझे मिलती है अपनी बड़ी और अधिक से अधिक लोकप्रियता के आधार, वो भी मेरी मुझे किस्सा और तो और मेरी फसल भी खरीदार खुद ही लेकर जाता है। अब अगर अपनी फसल की सही कीमत मानी हो तो अपनी फसल बेचो अपने नाम पर। पूरे हिंदुस्तान दूसरा किसान को चुनने में सक्षम बनाकर अधिक से अधिक विदर्शिता भी आएगी। यहाँ सर, यहाँ के किसान या व्यापारी जैसे आज यहाँ आए हैं मंडी में, सालाना हमारे यहाँ केला गोरखपुर मंडी ले आता है। यहाँ पे क्या है, ये सब ऑनलाइन पेटिंग क्वालिटी आज जो हमारे उत्पाद आएंगे जैसे केला हो गया, बैगन हो गया, फूल गोभी हो गया, ऑनलाइन होने लगी हुई है। 10-10 क्विंटल लेके आया। हाँ सर, लॉट है सर, अलग अलग अपना इतना आदमी ये लेके आया है, उसने लगा दिया, एक व्यक्ति ने लगाया, एक व्यक्ति का अलग अलग लॉट है, एक किसान का सर एक लॉट है, तो ये अलग अलग लॉट है, 65 लॉट का है। 65 रुपए क्या सर, ये इधर 1,505 रुपए का, 1,505 उसका भाव लग गया है, 1,505 रुपए का लगा हुआ है। 65 क्विंटल मिर्च
पहुंचे हैं? एक व्यक्ति के द्वारा। अच्छा, हरी मिर्च 30 क्विंटल का एक लॉट है सर। हाँ, और हरी मिर्च का 30 क्विंटल का लॉट है। ये सब ऑनलाइन है, लोग अपने कंप्यूटर पे कहीं बैठ के इसमें बिट लगाते हैं तो लाल जैसा है वो दिखाई देता है, जैसे 1500 बिट लगी आज के रेट है। किसी ने बिट लगाई है सर, हम अगले में लेने के लिए तैयार है, तैयार है, कहीं और से बैठ के लगा। लोग कितने में बेचते हैं वो अपना तय करेंगे सर, मिनिमम दे देते हैं सर। जैसे हमें 1500 पे लगाना है तो उसके ऊपर 1510-1520 वो व्यापारी लगाए। अच्छा, व्यापारी लगाए, ये इन्होंने लगाया। अब ये खरीदार इसके बाद लगाएगा, ये खरीदार अब लगाना शुरू, खरीदार लगाना शुरू। 1500-1505 अंतिम बोली है सर, अगर 12:30 बजे चलेगी सर, 12:30 बजे तक। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी फिर सर्टिफिकेट इस पर अपलोड होता है, A1 है, B- है, B+ है, अलग अलग क्वालिटी का लॉट होता है, सैंपल करके फसल की सही गुणवत्ता और सही दाम। कमल हिंदू का दुलार, कमल मुसलमान का जान, कमल जीत रहा सरकार। बलम पूछ जोगी या कितना तुम्हारा जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। और हम अपने इस कार्यक्रम की सुचारू शुरुआत करते हैं। नवीन गल्ला मंडी में आगमन पर मैं कंजेस्टेड इस सक्रिय स्पेस आई में बेहतर व्यवस्था कर सके और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज यहां पर स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं मंडी परिषद की कुछ योजनाओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जो मंडी परिषद के माननीय संचालक मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मंडी परिषद द्वारा कुछ नई योजनाएं शुरू की गई। सबसे पहले मैं आप सबके जानकारी में लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 251 मंडी समितियों में से 26 प्रमुख मंडी समितियों को इस बात के लिए चुना गया कि उन्हें आधुनिक मंडी समितियों के रूप में विकसित किया जाए। दाहिनी तरफ ऊपर एक बड़ा एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगा है जिसमें गोरखपुर और आगे जिन्होंने देखा है कि कैसे दूसरी मंडी समितियों में आई हुई जिंसों की बोली लगाई जा सके, लॉट की बोली लगाई जा सके, और एक बोली लगाई जाती है इलेक्ट्रॉनिकली जिससे कि किसानों को या व्यापारियों को अपने उचित दामों पर चीजें बिक्री कर सके या प्राप्त हो सके। बुलाना चाहूंगी गल्ला मंडी से, मैं बुलाना चाहूंगी भास्कर नंद जी से उनका स्वागत करें। अरे मदन जी पीछे हो जाइए, शुक्ला जी मैं थोड़ा सा पीछे हो जाइए। श्री गजेंद्र साहनी जी से अनुरोध करूंगी मछली मंडी से वो पुष्प देकर महाराज जी का स्वागत करें। हाजी जान मोहम्मद आलू मंडी आप स्वागत करते हैं, नीचे उतरते जाएं। चल रहा जनपद महाराजगंज धनराशि 2,00,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभाशन द्वारा
दूसरा नाम है 25,600 का चेक। पैसा है आपका 25,000। इधर माताजी, इधर माताजी, इधर देख लो माताजी, इधर 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 इधर। ठीक है, असल में लाल निवासी किशुन टोला गोरखपुर के चारों मिलेंगे आपको सब। श्री असल में लाल निवासी इधर श्री श्री बालाजी इंटरप्राइजेज सामने सामने देखिए सामने। ये तो आपके वक्त ले लेना चाहिए। हनुमान गल्ला भंडार श्री इंद्रचंद श्री रमाकांत पांडे जी, मंडी समिति के यहाँ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, मंडलायुक्त गोरखपुर, जिलाधिकारी और प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मंडी समिति से हम लोगों का बहुत पुराना संबंध रहा है, नजदीक का संबंध रहा है। बाध्य करता रहा हूँ कि मंडी समिति में व्यापारियों को और किसानों को आधिकारिक सुविधाएं हम दे सकें, इस पर हम सबका ध्यान होना चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, तो व्यापारी वह भामाशाह के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देता है। इन दोनों को जितनी अधिक सुविधा हम दे पाएंगे, नियम और कानून इनके लिए जितने सरल कर पाएंगे, जितना सरलीकरण होगा व्यवस्था का, नियमों का, उतना ही ये लोग व्यवस्था के साथ जोड़ करके आम जन को उस सुविधा का लाभ दे पाएंगे। और मैंने इसीलिए शुरू से इस बारे में फोकस किया कि प्रदेश के अंदर जो 251 मंडियां हैं, उन सभी मंडियों में किसानों की सुविधा और व्यापारियों की सुविधा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, किसानों को भी कोई असुविधा न हो और व्यापारियों को भी पर्याप्त स्पेस मिले, जिससे वे अपने व्यापारिक गतिविधियों को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर सके। वहां पर अच्छी सड़कें हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट हो, बैंक की सुविधा हो, सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था हो, साफ सफाई की भी व्यवस्था हो। जब हम लोगों ने मंडी समिति का मैंने कुछ निरीक्षण किया, बहुत सारी जगह में गया, वहां पर पूरा कूड़ा पड़ा हुआ था, हजारों टन कचरा हम लोगों ने मंडियों से निकाल करके उसका निस्तारण कराया। आज मंडियां साफ सुथरी दिखती हैं। इसमें एक सामूहिक सहभागिता हम सबकी होनी चाहिए और आज तो प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से ई मार्केट के नए नाम के नाम पर देश की हर मंडी को जोड़ने का कार्य किया है। आप गोरखपुर में बैठे बैठे दुनिया पूरे देश के अंदर की मंडियों के दाम ले सकते हैं और उसके लोग अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं भी मंडी समिति के इस कार्यालय में बैठ करके ही सब देख भी रहा था कि कैसे चाहे उनोला हो, चाहे पैंतियरगंज हो, चाहे वह अन्य जगह से आने वाला व्यापारी एक जगह में बैठ करके तय कर सकता है कि आज केले का दाम क्या है, आज आलू का दाम क्या है, मिर्च का दाम क्या है, टमाटर का दाम क्या है, अन्य सब्जियों के दाम क्या है, उसके अनुरूप अपना रेट लगाता है और फिर बोली वहां से शुरू होती है। हर एक उत्पाद के बारे में हम लोग यह कार्य कर सकते हैं और मुझे लगता है कि जितना अधिक हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे वह उतना ही देश के मार्केट से हमें परिचित भी कराएगा और उसका लाभान्वित भी हम उसके माध्यम से अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और आम नागरिक को शोषण से भी बचा सकते हैं। हमारा दोनों कार्य होना चाहिए, एक किसान और एक व्यापारी के बीच एक दूसरे के पूरक बन करके
हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसान खुशहाल होगा तो आसानी से अपनी उपज को लेकर मंडी में आएगा। व्यापारी सुरक्षित होगा, वह बहुत आसानी से अपने व्यापार को करते हुए देश को खुशहाली की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे पाएगा। और मुझे लगता है कि इस पर विशेष फोकस किए जाने की आवश्यकता है। आज मुझे अच्छा लगा जब यहाँ पर स्टेट बैंक की ब्रांच भी मैंने देखी। मुझे याद है जब स्टेट बैंक यहाँ पर खोलने की मांग हो रही थी, पहले जगह नहीं थी, समस्याएं थी, जो भवन दिया गया था बहुत जर्जर था, बहुत बार लगता था कि स्टेट बैंक भाग जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर स्टेट बैंक की ब्रांच भी है, पुलिस चौकी भी है, गार्ड भी दिए गए हैं, सफाई कर्मी भी मंडी समिति यहाँ पर दे, पेयजल की उचित व्यवस्था भी यहाँ पर कराया गया है, जो कमी होगी उसको भी कराया जाना चाहिए, अच्छी सड़कें शेड अच्छे बने। लेकिन साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि मंडी समिति के हमारी स्थायी समिति ने अभी हाल ही में जो अपने तमाम प्रस्ताव पारित किए उसमें यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए हम अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी करेंगे, उनके बालिकाओं की शादी और अन्य कार्यक्रमों में बीमारी में भी हम सहयोग उपलब्ध कराएंगे। ये सारी चीजों को करते हुए अधिक से अधिक सुविधाओं के साथ साथ जैसे सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए, उन व्यापारियों और उन किसानों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अभी आपने देखा होगा गांव में जो लोग गांव के छोटे छोटे बाजार और हाट लगते हैं, जमीन पर बिछा करके लोग करते हैं, हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उन किसानों को भी चार चार तिरपाल मिलने चाहिए और एक मंडी समिति उपलब्ध करा रही है, जिससे वो किसान उसकी फसल उसकी सब्जी के द्वारा उत्पादन की जा रही वाली सब्जी या फल खराब ना होने पाए और उसको सही दाम मिल सके। हम उसको तिरपाल भी दे रहे हैं तो साथ ही साथ हमने कैरेट भी देने की व्यवस्था की। आपने देखा एक एक किसान को हम चार चार कैरेट दे रहे हैं, जिस कैरेट के माध्यम से वह आसानी से अपने उत्पाद को बाजार तक ला सकता है। कैरेट में आप फल भी रख देंगे, सब्जी भी रख देंगे, वो खराब नहीं होगी, आसानी से आ जाएगी। जब आप बोरों में भरते हैं, बोरे को किसी टैक्सी में डालते हैं, तो आप देखते होंगे वो कुचल जाता है, उसका रेट कम हो जाता है, उसका बाजार के भाव पर उस व्यापारी को उसका नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि ये जो कार्य है किसानों की दिश से जो ये सुविधाएं दी जानी चाहिए थी उनको, ये पहले से दी जानी चाहिए, क्योंकि मंडी समिति को सरकार अतिरिक्त कोई पैसा नहीं देती, लेकिन मंडी समिति की जो आय है उस आय का उपयोग गांव के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए और व्यापारियों की सुविधा के लिए होना ही चाहिए। हम लोगों ने जब इस कार्य को किया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्ष हम लोगों ने 2000 किलोमीटर सड़कें केवल मंडी समिति से बनाई है, 2000 किलोमीटर की सड़कें। इस वर्ष भी हम लोगों ने पर्याप्त धनराशि लगभग 450 करोड़ रुपए केवल सड़कों के लिए दिया है कि गांव से आने वाले किसी किसान को और किसी व्यापारी को दिक्कत न हो, उनकी सड़क बनाओ, गांव के हाट को, गांव के बाजार को, मंडियों को अच्छा बनाइए, क्योंकि मंडी वास्तव में किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक है ही, व्यापारियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए, उनके व्यापार के लिए भी अच्छा है ही, लेकिन सरकार के लिए भी अगर यहां से मंडी समिति अच्छी बनेगी, मंडी समिति की आय होगी, तो उससे हम विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में और व्यापारियों के लिए भी और किसानों के लिए अच्छी सुविधा देने में हमें भी मदद मिलेगी। और इस दिशा में यह अभियान चल रहा है, ढेर सारी योजनाएं हैं, इन ढेर सारी योजनाओं के बारे में मंडी समिति के निदेशक ने आपको यहां पर अवगत कराया ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से हर व्यक्ति इनकी जानकारी रखे। और मैं चाहूंगा यहाँ पर जो हमारे फल और सब्जी मंडी के जो यहाँ के व्यापारी हैं, उन लोगों का कुछ प्रस्ताव है इसके विस्तार के लिए, आगे क्या हो सकता है, मंडी समिति को इस बारे में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जितना अधिक हम सुविधा इन लोगों को दे पाएंगे, हमें उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी सुविधा इनको देंगे और सुरक्षा की जितनी पुख्ता व्यवस्था करेंगे,
मुझे लगता है उतना ही सरकार के पास राजस्व की वृद्धि होगी, और राजस्व अगर सरकार के पास आता है तो प्रदेश और जनता के विकास में वह पैसा खर्च भी होता है। और मैं इसीलिए प्रशासन से कहूंगा कि इस बात को देखें कि व्यापारियों की त्वरित समस्या का समाधान हो। मंडी समिति में भी महीने में एक बार स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी को, किसी एक नोडल अधिकारी को, सिटी मजिस्ट्रेट को या किसी एडीएम स्तर के अधिकारी को मंडी समिति के अधिकारियों के साथ बैठा करके गल्ला मंडी की क्या समस्या है, सब्जी मंडी की क्या समस्या है, फल मंडी की क्या समस्या है, मछली मंडी की क्या समस्या है, वहां के व्यापारियों की क्या समस्या है, वहां आने वाले किसानों की क्या समस्या है, ये चीजें लगातार हो, क्योंकि प्रशासन जब इसमें कार्य करेगा तो मुझे लगता है कि फिर दवा जवाहर कसोदन जैसे लोगों की दाल कम ही गल पाएगी। और उस दृष्टि से जवाहर कसोदन बहुत सक्रिय रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लिए, मंडी के लिए अच्छी मंडी बने हमसे लड़ते हैं, अच्छी सड़क बने, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, बैंक की व्यवस्था हो। आपने देखा होगा अपने श्रीचंद बंसल जी, जवाहर कसोदन जी, जितने भी व्यापारी हैं सभी लोग बहुत मुझसे झगड़ा करते थे कि बैंक क्यों नहीं खुल रहा है, और अच्छे आज यहाँ बैंक भी खुल गया है। अच्छा, आपकी सारी सुविधाएं यहाँ पर धीरे धीरे चल रही है, और मुझे लगता है गोरखपुर की मंडी को आदर्श मंडी के रूप में स्थापित करें। यहाँ के जो भी व्यापारी हैं, गल्ला व्यापारी होंगे, चाहे वह सब्जी है, फल है, मछली है, इससे जुड़े हुए जितने भी व्यापारी हैं, वैसे जवाहर कसोदन की तो मछली व्यापारियों से बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि अगर मछली बिकेंगी तो इनकी दाल नहीं गलेगी, और वो अक्सर इस बारे में बोलते हैं कि मछली मंडी के बारे में। लेकिन मुझे लगता है सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि हर व्यापारी मेहनत करता है, कार्य करता है, आम नागरिक के और किसान के जीवन में खुशहाली लाने में अपना योगदान देता है। और आज मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर मंडी समिति इन सबके हितों के लिए कार्य कर रही है, सबके हितों के लिए अपनी योजनाएं बना रही है, इन सबके साथ मिलकर के महीने में प्रत्येक महीने इन सबके समस्याओं को समाधान किया जाना चाहिए, और हाथों हाथ समस्या का समाधान होना चाहिए, कहीं भी किसी को भटकने की आवश्यकता ना पड़े। एक ऐसा तंत्र हमें विकसित करना चाहिए, हर एक विभाग को करना चाहिए, चाहे वह मंडी समिति हो, चाहे वह शासन से जुड़ी हुई कोई भी समिति, अगर वह जनता के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकती, लोक कल्याणकारी अभियान के साथ नहीं जुड़ सकती, तो फिर इस प्रकार की संस्थाओं का औचित्य स्वयं समाप्त हो जाता है। और इसलिए जनता के प्रति अधिकाधिक संवेदनशील बनकर हम इन समस्याओं का समाधान करें। मैं मंडी समिति से जुड़े हुए इन सभी जो हमारे व्यापारिक संगठन है उन सभी के पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के खुशहाली के लिए आप सब मिलकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।